भगवान गणेश 32 स्वरूपों गणपति जी। पहला श्री बाल गणपति, दूसरा तरुण गणपति, तीसरा भक्ति गणपति, चौथा वीर गणपति, पांचवा रूप है उनका शक्ति गणपति, छठवा है द्विज गणपति, सातवा सिद्ध गणपति, आठवा उच्छट गणपति, नवा गणपति जी विघ्न गणपति, दसवा क्षिप्र गणपति, ग्यारहवा हेरम गणपति, बारहवा लक्ष्मी गणपति, तेरहवा महागणपति, चौदहवा विजय गणपति जी, पंद्रहवा नित्य गणपति, छठवा उदर्भ गणपति। जी सर, ये उर्ध गणपति, उर्ध गणपति के बाद एकाक्षर गणपति है, और ये एकाक्षर गणपति का बीज मंत्र है ग, यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। और यहाँ वर गणपति, वर गणपति में एक शक्ति को साथ में बैठे हुए दिखाया गया, देवी के हाथों में विराज पतक है। और यहाँ पर एक त्रिक्ष गणपति 19वां है, इसमें आराधना अष्टाध्याय में ज्ञान को देती है और स्वरूप रूप को पहचानने का प्रेरित करती है। ये शिप्र प्रसाद गणपति है जो गणेश जी के रूप को सभी की शांति और समृद्धि के लिए काम करने की प्रेरणा करती है। 21वां हरिद्रा गणपति, ये गणेश प्रकृति के रूप में है और इसमें निरोग रहने की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है बताया गया है। एक दंत गणपति, जैसे सब लोग जानते हैं कि गणपति का एक दंत रहता है, और गणेश अपनी कमियों को ध्यान देते हुए खूबी को निखारने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारी कमी दबी रहे और खूबी जो है वो बाहर निकल के है। सृष्टि गणपति, सृष्टि गणपति के बारे में बताया, सही गलत अच्छा बुरा में फर्क करना उसकी प्रेरणा समझ देता है। इस रूप में गणपति निर्माण को प्रेरणा देता है। उदट गणपति, गणपति जी का यह रूप जो है सांसारिक मोह को छोड़ने वाला है और बंधनों मुक्त से होने वाले प्रेरित करता है। 25वां रणमोचन गणपति, यह गणेश जी परिवार पिता गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रेरित करते हैं। डुंडिन गणपति, यह गणेश जी का स्वरूप आध्यात्मिक विचारों के लिए प्रेरित करता है और जीवन को स्वच्छ बनाता है। द्विमुख गणपति, यह दुनिया और व्यक्ति के आंतरिक और बाहरिक दोनों रूपों को दिखाने का प्रेरित करता है, इसलिए इसको द्विमुखी गणपति बताया गया। यह है त्रिगणपति, त्रिमुखी गणपति, जिसमें गणेश जी को भूत वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रख के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आते हैं हमारे सिंह गणपति। सिंह गणपति में गणेश जी की यह रूप निडरता आत्मविश्वास प्रतीक है, जो शक्ति और समृद्धि को प्रतीक देता है। योग गणपति, भगवान गणेश के रूप में भीतरी छिपी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। दुर्गा गणपति, ये हमारी शक्ति के रूप में बताया गया है। गणेश जी, भगवान गणेश विजयी रूप मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए प्रेरित करता है। और आखिरी हमारे गणपति है संकट हरण, जो हर पद पे हर प्रति यह बताता है कि हर काम में संकट आएंगे, लेकिन ऐप खोले के इंसान में है। धन्यवाद।